नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ये देखिए, आज मैं आपको हिंदी में भी, देखिए मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी बना करके प्लेलिस्ट में रखा है, अब इसका हिंदी वर्जन भी बनाकर आपको प्लेलिस्ट में रख देता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए स्टूडेंट, ये सवाल जो है लगभग सभी ईयर में आया है, 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2023 में भी, मतलब इस तरीके का प्रश्न लगभग कई प्रश्नों में, कई ईयर्स में पूछे गए हैं। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह चैनल आपका ही है। और स्टूडेंट देखिए, ये टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो, और इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से पता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल नहीं, बकवास है, कुछ भी नहीं करना इस समय, केवल एक काम करिए, यहां पर लिखिए, ठीक है, यहां पर लिखिए पहले हल। क्या लिखोगे? हल अर्थात सोल्यूशन। आप लिखोगे माना, पहले मान लीजिए माना जी, ठीक है जी, और यहाँ लिख देता हूँ बी, तो जी को लड़की के लिए, गर्ल, बी माने बॉय, माना जी और, देखिए जी और बी क्रमशः ये क्या है, लड़की है, ठीक है, क्रमशः लड़की तथा लड़के को निरूपित करता है, निरूपित करता है। मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया? कि यहाँ पर देखिए जी माने गर्ल, गर्ल माने लड़की, लड़की को हम जी से लिखते हैं और लड़के को किससे लिख रहा हूँ, बी से लिख रहा हूँ, बी माने बॉय। तो यहाँ पर मानेंगे माना, फिर लिख मिल मानता हूँ माना प्रतिदर्श समष्टि, माना प्रतिदर्श समष्टि, माना प्रतिदर्श समष्टि एस है। अगर भाई यस प्रतिदर्श समष्टि होगा, तो प्रतिदर्श समष्टि को हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होते हैं, ठीक है, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया उसका जो आउटकम, एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे आपने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने का एक्सपेरिमेंट हुआ, और नीचे जब गिरेगा सिक्का तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये उसका एक्सपेरिमेंट का आउटकम हुआ। अगर आउटकम को हम सेट के रूप में लिख दें तो उसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं बच्चा, ठीक है। क्या बोला? सैंपल, देखिए एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अगर हम सेट के रूप में लिख दें तो वो आउटकम सेट आउटकम नहीं रहेगा, वो क्या कहलाने लगेगा, ठीक है, फिर समझ लीजिएगा। अगर किसी आउटकम को हम सेट के फॉर्म में लिख देते हैं तो आउटकम नहीं रह जाता है, वो आउटकम तुरंत प्रतिदर्श समष्टि बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमने माना कि लड़के को 20 लड़कियों को बी, मतलब जी से, और लड़के को बी से यहाँ पर हमने निरूपित कर दिया, मान लिया प्रतिदर्श समष्टि यस है। अब आप यहाँ पर ध्यान देने की आपको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी, बहुत इजी सी। अब यस देखिए, यस बराबर आपका क्या होगा, तो एस बराबर क्या होगा, पहला देखिए परिवार में क्या है, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों में, यहां पर पहले इतना दिमाग लगाओ, परिवार में दो बच्चे हैं ना, ठीक, अगर दो बच्चे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लड़का हो, या पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, ठीक, या हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, या हो सकता है कि दोनों ही लड़की हो, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? भाई परिवार में अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं तो हो सकता है कि पहला भी लड़का हो दूसरा भी लड़का हो, यह हो सकता है पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, यह हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, यह हो सकता है दोनों लड़की हो, इसके अलावा पांचवा कंडीशन नहीं बन सकता ना। तो ये जो हमारा ये आउटपुट, ये क्या है, ये आउटपुट है, आउटपुट को मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तुरंत सैंपल स्पेस बन गया। इसके बाद सैंपल पॉइंट होता है, जो अंदर ये पॉइंट लिखे होते हैं जो, इसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट। तो यहां पर कितने सैंपल पॉइंट हैं, तो चार हैं, देखिए कामा की इधर देखिए एक है, दो
तीन चार। तो भैया यहाँ पर एनएस की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, इसका मतलब है, ठीक है, मतलब कुल मिला के ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके, इसी एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं इन एलिमेंटों को हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कितने एलिमेंट हैं इसमें, चार एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर आपका ये हो गया कितना, फोर हो गया, ठीक है। तो सैंपल पॉइंट आपका क्या हुआ, फोर हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमारी बात समझो, या आप कहो कहना चाहो तो टोटल एलिमेंट जो है किसमें, सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस बोले तो प्रतिदर्श समष्टि, इसमें चार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें इसके इतना काम हम करेंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या होगा, लिखा है कि क्या लिखा है, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ भी माना माना इवन बराबर दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, इसको मान लीजिए लड़का दोनों हैं, ठीक। और E2 बराबर क्या मानोगे, इसमें देख करके दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा के लड़का होने की घटना, एक बच्चा लड़का होने की घटना, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो मतलब क्या हुआ, A2 बराबर ये माना गया कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा यहाँ लिखा भी है, एक बच्चा देखिए कहाँ गया, एक बच्चा के लड़का होने की घटना, तो यहाँ जो लिखा बच्चा के लड़का होने की घटना, जो यहाँ लिखा वही लिख रहा हूँ जो पुस्तक में लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया, नहीं आ गया? देखिए इसमें लिखा है कि दो, मतलब जब हमको ये पता हो कि किसी परिवार में दो बच्चे हैं और उनमें कम से कम एक बच्चा जरूर लड़का है, तो दोनों की लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो जैसे पूछे इसमें इस तरह सवाल, तो पहले ये लिखो कि जिसकी प्रायिकता पूछे उसको ऊपर लिखो। जैसे कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ, तो सर पहले हमने क्या लिखा, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना लिख लिया। फिर कह रहा है कि दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा था, पहले वाला कंडीशन में कि दोनों में से कम एक बच्चा के लड़का होने के बारे में हमको पता है, ये कह रहा ना उसमें, तो वही मान लो कि दोनों बच्चों से कम एक बच्चा के लड़का होने की घटना, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, तो E1 बराबर आप देखिए क्या होगा, क्या लिखा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, तो लड़का कितनी जगह इसमें, इसी में से छाँटते हैं सब, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना, तो दोनों बच्चों में लड़का कहाँ है, ये पहला बच्चा भी लड़का दूसरा भी लड़का है, केवल एक ही कंडीशन है ना जहाँ पर दोनों बच्चे लड़के हैं, ठीक है। और E2 बराबर देखो कितना है, क्या कह रहा है कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो भाई एक बच्चा तो इसमें भी लड़का है, BG में भी, तो ये भी अवश्य लिखा जा सकता है। अगला GB में भी कम से कम एक बच्चा लड़का है, कौन वाला, बी वाला, और GG में तो लड़का है ही नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, और ये BB ये भी है क्योंकि इसमें भी है, वैसे बहरहाल इसको हमको सब पहले लिखना चाहिए था, यहाँ पर इसको पहले लिखते फिर इसको लिखते फिर इसको लिखते, ठीक है। तो देखो कम से कम एक लड़का है, और बाद में हमने दोनों लड़का को लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा क्या, सिस्टमेटिक से लिख दिया, थोड़ा सा समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर देखिए इनका इंटरसेक्शन फिर हम निकालते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखिए ये दोनों में कॉमन है BB, तो यहाँ लिखोगे आप BB। अब आपको क्या निकालना है इसमें आपको देखिए काम करिए, चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं P E1, ठीक। तो P E1 बराबर आपका क्या होगा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ थोड़ा सा अगर बात करें इसलिए, तो N E1 की वैल्यू देखिए क्या होगा, यहाँ पर N E1 की वैल्यू एक है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। इसी तरीके से N E2 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, N E2 की वैल्यू 1, 2, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगी। और अगर हम यहाँ इंटरसेक्शन की बात करें, ठीक है, इसलिए NE1 इंटरसेक्शन E2 इसकी बात करें तो ये भाई कितना हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, होगा ना एक। तो देखिए यहाँ तक आपका काम ओके हो गया। अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जैसे यहाँ पर आपको जैसे N E1 है तो आप जो है PE1 निकालो, तो PE1 बराबर फार्मूला होता है NE1 / NS होता है, ठीक। आप N E1 की वैल्यू एक है, NS की वैल्यू कितना है भाई, 4 है, तो यहाँ लिख दोगे 4, ठीक है। इसी प्रकार से P2 निकालेंगे, तो P2 बराबर क्या आएगा,
एन ई टू फार्मूला आपको पता है ना, अपान एन एस, तो एन एस एन ई टू की वैल्यू कितना है, 3 है, एन एस की वैल्यू 4 है। इंटरसेक्शन में भी देख लो, पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है बताओ, तो यन ई वन इंटरसेक्शन ई टू अपान एन एस। अच्छा, बट्टे में एन एस तो जाने जाना है, सभी में गया, देखो इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, और जो यहाँ पर जो जैसे पी लिखा रहा है तो इसके साथ एन लगा देते हैं, देखो यहाँ एन लगा करके लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू कितना, देखो इसकी वैल्यू 1 है, एन ई वन की वैल्यू ये देखो 1 लिखा ना, बट्टे एन एस की वैल्यू 4। अब यहाँ लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी माने अभीष्ट प्रायिकता, क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता, ठीक, अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता मतलब किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, दोनों के लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब ईवन की प्रायिकता पूछ रहा है, जबकि जबकि क्या पता हो कि दोनों बच्चे लड़के हो, अर्थात ई बाई, देखिए ई वन बाई ई टू ये पूछ रहा है। तो हमने आपको पहले ही बता रखा हूँ कि कभी बाई में हो तो आपको क्या करना चाहिए, पहले इसको इंटरसेक्शन में कर लेना चाहिए, किस में करोगे, इंटरसेक्शन, और अपान में जो अपान में लिखा हो उसी को लिख दो, जैसे ई टू लिखा है अपान में तो ई टू ही आप लिख दीजिए, अगर यहाँ अपान में ई वन लिखा होता तो आप ई वन लिख देते। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितना लिखा है, इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की 1/4 लिखा है, और ई टू की वैल्यू क्या लिखा है, देखो 3/4, ठीक, तो देखिए 4 से 4 कट गया, ठीक है, क्या बचा यहाँ पर, ये 3 कहाँ काट रहे हैं, तो 1 ऊपर बच गया, 3 नीचे बच गया, तो कुल मिला के 1/3 आपका आंसर आ गया। इधर लिख देता हूँ, आपका आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं करना था, तो अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और बच्चों आइए जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन लेता हूँ 2019 का। इसमें देखिए क्या लिखा है, एक थैली में 5 लाल और 6 काली गेंद हैं, 2 गेंदें यदृच्छा निकाली जाती हैं, उनके अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता, होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, सवाल नहीं महा खिलवाड़ है, महा, तो यहाँ पहले लिखो बढ़िया बेहतरीन ढंग से हल, ठीक, मतलब जिसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे थैले में, थैले में कौन सी गेंद है, लाल, लाल गेंदों की संख्या, ठीक है, देखो थैले में लाल गेंद कितने हैं, 5 है, तो बराबर आपने लिख दिया 5। फिर लिखेंगे थैले में काली गेंदों की संख्या, ठीक है, तो काली गेंद कितना, देखो जरा 6 काली गेंद है, कुल गेंद थैले में कुल गेंदों की संख्या, भैया यहाँ पर ध्यान दो, संख्या थोड़ा साफ साफ लिख दें क्या, संख्या, तो 5 और 6 11 गेंद हो गया, ठीक। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 गेंद अच्छी इच्छा निकाली जाती हैं, तो लिखेंगे इसलिए 11 गेंदों में से 2 गेंद निकालने के प्रकार, भाई 2 गेंद निकाली जाती है ना, लिखा है, तो भैया 11 गेंद है, 2 गेंद निकाले तो 11 C2 हो गया, ठीक। आगे क्या लिखा है, उनके अलग अलग रंग होने की प्रायिकता बताइए, दोनों के अलग अलग, तो मतलब 2 गेंद निकाली गई और अलग अलग रंग की निकाली गई, मतलब एक लाल निकाली गई और एक काली गेंद निकाली गई, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे 5, फिर नए लाइन से लिखे 5 लाल गेंद में से एक गेंद निकालने के प्रकार, तो भैया कितना होगा, 5 है तो 5 C1 हो जाएगा,
फिर क्या है, काली कितनी, छः है, छः काली गेंदों में से एक काली गेंद गेंद निकालने के प्रकार। तो छह काली गेंद है, एक काली गेंद निकाली जा रही है, तो 6-7 हो गया भाई। जो कह रहा वही लिख रहा हूँ ना इसमें, फिर नए लाइन से लिखेंगे क्या, ठीक है। अभीष्ट प्रायिकता, अप्रायिकता चलो निकलो, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता क्या, अभीष्ट प्रायिकता माने अलग अलग रंग के गेंद होने की प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता अलग अलग दो अलग अलग रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। दो अलग अलग रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता, तो अलग अलग रंग के गेंद निकालना है तो कैसे लिखोगे बताओ, इक्वल टू पहला तो निकाला 5-7, दूसरा है 6-7, तो भाई दो गेंद निकल गई ना, तो टोटल अपान में नीचे लिखा जाएगा भाई 11 गेंद है ना, तो यहाँ लिखा जाएगा 11C2। आपको जानकारी है कि अगर नीचे 1 लिखा रहे तो उत्तर ऊपर वाला ही होता है, नीचे 1 लिखा रहे तो उत्तर ऊपर वाला ही होता है, मतलब 5C1 की वैल्यू 5 ही होगी, 6C1 की वैल्यू यही होगी। लेकिन अगर नीचे 2 लिखा रहे तो मामला थोड़ा आगे हो जाता है, कैसे आपको एक ट्रिक पढ़ाता हूँ। जैसे 2 लिखा रहे नीचे तो इसको तोड़ो, 2×1, अगर 3 होता तो 3×2×1 होता, 4 होता तो 4×3×2×1 होता, लेकिन 1 से नीचे नहीं जाओगे। तो अब जैसे 2 ही है तो 2×1 कर दीजिए आप, अब 2×1 किया तो कितने डिजिट हैं यहाँ पर, कितनी संख्या, 2 संख्याएं हैं, तो बस 11 को भी 2 संख्या में तोड़ लो, 11×10 टूट गया ना 2 संख्या में, अब इसको काटो, 2×1=2, 2×5=10। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा आपका, 6 देखिए यहाँ पर बचा है, 5 बचा है और यहाँ पर बचा है 6, और नीचे बचा है 11×5 बचा है, 5 से 5 कट गया और 6/11 आ गया, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। हमको लग रहा है कि आपके एकदम माइंड में एकदम सटीक तरीके से बैठ गया होगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको 101%, ये मेरी गारंटी है आपसे। और आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये देखते हैं, ये सवाल बेहतरीन सवाल है, 2020 में पूछा गया प्रश्न, आज एकदम बिल्कुल ये सवाल सभी जो है इंग्लिश मीडियम में भी बना करके मैंने प्लेलिस्ट में रखा है, उसी का ये हिंदी वर्जन भी बना रहा हूँ, ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी भी प्रकार का अगर बच्चा है तो उसे कोई भी प्रश्न समझने में कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि गुड्डू सर मैथ गुरु में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाती है, कोई भी किसी बच्चे से पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों से केवल इतना ही हमारा वो है, मतलब निवेदन है कि आप कृपया करके अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और स्वयं इसको अगर तब भी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, बस केवल हमारी इतना ही आपसे कहना है, बाकी तो आप स्वयं समझदार हैं, समझ में आए तभी आप करिएगा भी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार, सी उसे 3 प्रयासों में से 2 बार भेद सकता है। मतलब एक लक्ष्य है, जैसे ये लक्ष्य है और इसी में हमका अगर आपको दे दिया जाए एक बंदूक और कहा जाए चलो मारो, ठीक है, तो अगर आपको मारने कहा जाए, जैसे तो आपका ए है मान लीजिए, ए को कहा गया मारो चलो, तो ये बेचारे 5 बार है धमाधम मारे, लेकिन इनके 4 बार का हुआ, 4 बार ये लगाए पाए नहीं निशाना, ठीक है, नहीं तो बगल कहीं निकल जाए, इधर से बगल से चला जाता था। इसी प्रकार से भी बेचारे क्या किए, भी इस पर जो है उनको 4 बार मारने का मौका मिला, लेकिन 4 में से 3 बार मार पाई ये भी, सी इसमें कहेंगे मारो तो मार ही नहीं पाए, कितनी बार मार पाए बोलो, सी जो है मतलब 3 बार में से 2 ही बार मार पाया। तो पूछ रहा है लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता बताइए, तो चलिए मान लेता हूँ, माना देखिए
माना, चलिए उस हल लिख ले तो पहले, ठीक है ना, हल में माना पी ए बराबर, ठीक है। लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य को भेदने की, माना ऐसे लिख ली, ठीक है, मान पी ए बराबर, ठीक है, ए द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, ए द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, भेदने मतलब सही निशाना लगाना, प्रायिकता। तो भाई देखिए कितनी बार भेद पा रहा है, 5 प्रयास, टोटल प्रयास नीचे लिखा जाता है, और कितनी बार मार पाए उसमें से 4 बार मार पाए, तो 4 वाले को ऊपर लिखा जाएगा, माने टोटल जो प्रयास होता है नीचे लिखा जाता है, और जो मार लिया भैया उसको ऊपर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर ए द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 4/5 हो गया। पी बी बराबर लिख लीजिए, पी बी बराबर बी द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, भैया क्या लिखोगे, बी 4 बार कर 4 प्रयासों में से, तो माने 4 नीचे लिखोगे, और कितना मार पाया, 3 बार, तो 3 को ऊपर लिख दोगे। इसी प्रकार से आप क्या करोगे भाई, पी सी लिखोगे, पी सी बराबर, तो सी द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, कितनी बार भेदता है भाई, ये कमज़ोर है, कहा जा रही है ज़्यादा, देखिए सी उसे 3 प्रयासों में से 2 बार करता है, मतलब इनका 3 प्रयास मिला, और ये इतने बेवकूफ़ थे कि ये केवल 2 ही बार मार पाए, अच्छा मतलब इनके निशाना कमज़ोर हन है। अच्छा निशाना क्या है कि 4 बार मिला मौका, 4 बार मारो धमाधम, ठीक है, बीच बीच में जो है ना गड़बड़ाओ नहीं, तब आपका निशाना अच्छा माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे पी ए बार निकालते हैं इसकी वैल्यू, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए बार का मतलब, जैसे पी ए था तो लक्ष्य, ए द्वारा लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, और पी ए बार हो जाए तो क्या होगा, ए द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता। तो भाई क्या होगा, भेदने की 4/5 है, तो ना भेदने की क्या होगी, तो 1 - 4/5 हो जाएगा, और देखिए कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए जरा, तो देखिए ये हो जाएगा 5 का 5, 5 में से 4 जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखिए लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता 4/5 है, तो ना भेदने की क्या निकलेगा, बस किस उसको जगह भेदने वाले को 1 से घटा दो तो ना भेदने वाला निकल आता है, ठीक है, तो वो आ गया है 1/5। इसी तरीके से पी बी बार बराबर क्या होगा, तो बी द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता बराबर, तो यहां पर भेदने की 3/4 है, तो ना भेदने की क्या होगी, 1 - 3/4, तो देखिए 4 का 4, 4 में से 3 जाएगा, तो ये भी 1/4 आ गया। इसी प्रकार पी सी बार लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, सी द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, तो क्या आएगा, 1 - 2/3, 3 का 3, 3 से 2 जाएगा, तो 1/3 हो गया, ठीक है। ये हो गया लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अतः देखिए, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट, तो ये काम का और कर लो कि, ठीक है, नए लाइन से लिखो, इसलिए तीनों के द्वारा लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, तीनों ना भेद पाए उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो भैया अगर तीनों नहीं भेद पाए तो क्या होगा, पी ए बार, पी बी बार, पी सी बार, ये होता है, बात समझे कि नहीं, ये तीनों नहीं भेद पाया, तो इसका वैल्यू क्या है, 1/5 है, इसका है 1/4, इसका है 1/3, तो कितना हो गया, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 1/60 हो गया, मतलब 1/60 आ गया लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, मतलब लक्ष्य कोई भेद ही नहीं पाया। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, हमने अभी क्या बोला कि अभी अगर कहता कि तीनों द्वारा लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो बस इसको गुणा कर लो,
इसको 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 तीनों को भाई देखिए भेद रहा, ये भी भेद है, ये भी भेद था, ये भी भेद रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो लक्ष्य को भेद भेद तीनों के द्वारा भेदने की प्रायिकता होगी, लेकिन यहाँ केवल लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता पूछ रहा है। लक्ष्य को भेदने का मतलब क्या हुआ कि एक भी भेद ए भी भेद सकता है, बी और सी ना भेद पावे, हो सकता है तब तो भेद उठा, ठीक है। लक्ष्य पे सही टारगेट लगा दिया बी, अगर ए सी नहीं लगाया तब भी तो भेद उठा, ठीक है। भेदने का मतलब ये हुआ कि कोई भी भेद दे, चाहे एक आदमी भेद दे तब भी भेद उठेगा। जैसे मैं कहूँ कि जाओ दरवाजा खोल दो, ठीक, मैं तीन आदमी को भेजूं और कहूं जाओ दरवाज़ा खोल दो, तो चाहे वो पहला आदमी खोल जाके खोल देगा तब भी तो दरवाज़ा खुलेगा, नहीं खुल गया, ऐसा तो है नहीं कि तीनों आदमी हाथ लगाएं तभी दरवाज़ा खुलेगा, अगर तीनों लगाएंगे तब भी खुल जाएगा, हमने तो यही कहा ना दरवाज़ा खोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों लोग गए, एक आदमी ने दरवाज़ा खींच लिया तब भी दरवाज़ा खुल गया, नहीं खुल गया, अगर दूसरे ने दरवाज़ा खींचा तब भी दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तीसरे ने खींच लिया तब भी दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, या कोई दो लोग एक साथ ही हाथ पकड़ के दरवाज़ा खींचते हैं तब भी दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा, या तीनों पकड़ के हाथ जो है दरवाज़ा खींचते हैं तब भी दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा। तो मतलब दरवाज़ा खुलने का कई कंडीशन है, बात समझिए, एक भी कंडीशन है, दो के भी द्वारा कंडीशन है, और तीन लोगों के द्वारा भी कंडीशन है कि नहीं। तो इसलिए अगर हम तीनों को गुणा करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि सर तीनों को गुणा कर देंगे तो दरवाजा खुल गया, हाँ खुल गया, लेकिन एक कंडीशन आप बता पाए अकेले कि तीनों के द्वारा दरवाजा खुला, ठीक। दरवाजा हमने कहा खोलने के लिए, तो दो भी तो खोल सकता है, तीन भी मतलब एक भी तो खोल सकता है, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों के द्वारा दरवाज़ा खुलने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जो कि हमारा एक कंडीशन हुआ। और यहाँ पर दरवाज़ा खुलने के लिए कई कंडीशन हो रहे हैं, कैसे, जैसे ए ने खोला बी सी नहीं खोल पाया तभी दरवाज़ा खुल गया, नहीं खुल तो गया तो एक कंडीशन हो गया, बी ने खोल दिया और सी और ए नहीं खोल पाया, ये हमारा दूसरा कंडीशन हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, तो कितने कंडीशन में भेदा जा सकता है, सारी कंडीशन हमको बताना पड़ेगा, और अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो केवल एक ही कंडीशन आपको मिलेगा, बासन में आगे नहीं आ गया। लेकिन इससे आपको एक फायदा होगा कि देखिए, जैसे ए नहीं भेद पाया, बी भी नहीं भेद पाया, सी भी नहीं भेद पाया, तो अगर कह दूं तीनों के द्वारा लक्ष्य नहीं भेदे गए तो हो गया 1/60 हो गया, और कहा जाए लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, ठीक है। इसलिए अतः यहां पर अगर हम यह लिख दें अतः तीन अतः लक्ष्य अतः लक्ष्य को अतः लक्ष्य को देखिए ध्यान दीजिएगा अतः लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, भेदने की प्रायिकता, अगर भेदने की प्रायिकता अगर कहा जाए तो क्या करोगे, वन में से अगर इसको न तीनों जो नहीं भेद पाए हैं उसको घटा दें तो हो जाएगा 60 का नम 60, 60 में से 1/60 माइनस 1/60 अर्थात 59/60, ये क्या हो जाएगा, ये लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता मिल जाएगी। इसमें कंडीशन कौन कौन से होंगे, देखो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होती है होना ना होना उस दो सबको जोड़ देते हैं तो एक के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, एक के बराबर, और इस एक में हर चीज जो है पाई जाती है, इसमें एक के द्वारा भेदना भी होता है, ठीक है, एक लोगों के द्वारा, इसमें दो लोगों के द्वारा भी होता है, इसमें तीन लोगों के द्वारा भी होता है लक्ष्य को भेदने की, इसमें तीनों के द्वारा ना भेदने के भी होता है, तीनों के द्वारा ना भेदने की भी होता है। तो भैया अगर ना भेदने वाला अगर इसमें से निकाल दिया जाएगा वन से तो क्या होगा, तीनों के द्वारा भेदना भी इसी में आ जाएगा, दो के द्वारा भी आ जाएगा, एक के भी द्वारा आ जाएगा। तो ना भेदने वाले को इसीलिए एक से घटा दिया गया कि भेदना आ जाएगा, इसलिए क्योंकि एक के द्वारा भी इसी में होगा, दो के द्वारा भी इसी में पाया जाएगा, तीन के द्वारा भी इसी में पाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये सबसे बड़ा इसका पॉइंट है। तो देखिए अगर पढ़ोगे मन से लगा करके तो 101% ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।